ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन, अष्टमी का तिथि, अष्टमी का चंद्रमा, बलि चंद्रमा। चंद्रमा में बल बढ़ना है और यह आज का दिन का सूर्योदय 7:06। आज अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:37 तक। आज राहुकाल 10:58 से 12:16। आज चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी को क्रॉस करके उत्तरा फाल्गुनी में चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा, राशिफल और नक्षत्रफल। तो सबसे पहला इस दिन का प्लानिंग करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आज चंद्रमा कितना शुभ कितना अशुभ। बलि चंद्रमा बहुत अच्छा, लेकिन दो पाप ग्रह का दृष्टि, शुभ फल में कमी, विभ्रमता, मानसिक भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भूत बना के रख सकता है। परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा। यहां चंद्रमा से दशमस्त मंगल, यहां से शनि षडाष्टक, और क्योंकि आज का दिन सूर्य अपने से पंचम में भी चले जाएंगे तो स्वाभाविक बात है एक उत्तम दिन रहने का संभावना है और पाप प्रभाव का भी प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहला मेष राशि पंचम स्थान, विवेकहीनता, कर्म में थोड़ा बहुत असफलता, परंतु सिद्धि योग 40%। वृष राशि का चतुर्थ चंद्रमा अहेतुक भय, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में कीनता, हृदय में हल्का क्रूरता, परंतु कर्म सफलता 40%। मिथुन तृतीय चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि, कर्म सिद्धियों, सफलता, भाग्य का सहायता, धन का प्राप्ति, उत्तम भोजन, मित्र बंधु हो सकता है मिले, प्लस प्लस टिक टिक बहुत टॉप। कर्क का द्वितीय चंद्रमा परिवार वाणी धन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल रह सकता है, हानि का ना चाहते हुए खर्चा। सिंह का लग्न के ऊपर चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि, कई प्रकार के नया चिंता और नया निर्णय लेने का क्षमता में वृद्धि, प्लस प्लस। लेकिन जब जन्म नक्षत्र में जाएंगे थोड़ा सा भटकाव भी दे सकता है, लेकिन शुभ कर्म कराएगा। कन्या द्वादश चंद्रमा, ना चाहते हुए खर्चा, बटुआ निकालना पड़ेगा, नेगेटिव यात्रा दे सकता है, यात्रा में सफलता नहीं होगा, भ्रमात्मक यात्राएं हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चा में बोलने से भी नहीं रोक सकते। तुला का एकादश चंद्रमा उत्तम, अत्यंत उत्तम, प्लस प्लस टिक टिक आगे बढ़ो। वृश्चिक के लिए ये दशम चंद्रमा सॉलिड, कर्म सफलता, रुका हुआ काम खुलेगा। धनु का नवम चंद्रमा थोड़ा कहीं ना कहीं एनर्जी लो डाउन, माइनस माइनस, लेकिन कर्म सफलता, प्रयास करना, डिले हो सकता है। मकर का अष्टम चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिंता रहे, डिप्रेशन, कर्म में बाधा, मेहनत ज्यादा करवाएगा, फल कम देगा।
षष्ठ चंद्रमा कुंभ के लिए रोग मुक्ति, कर्म में सफलता, एनर्जी, पराकाष्ठा, पराक्रम, वर्धन। मीन का यह चंद्रमा सॉरी कुंभ के लिए ये सप्तम चंद्रमा, माफ करिए, एंजॉय मजा मस्ती पिकनिक। छठा चंद्रमा मीन के लिए कर्म सिद्धि, रोग निवारण, अच्छा है, डंडन गो अहेड। अश्विनी मेष, अश्विनी मेष राशि और उसके बाद मघा सिंह राशि और मूल धनु राशि कैसा रहेगा टारगेट, यहां पर आधा दिन मान पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। जन्म समय में जो नक्षत्र रहता है वही गिनती होता है, लेकिन टेक्निकली अनुभव करोगे आधा दिन में। तो टारगेट पूर्व फाल्गुनी को करता हूं, समझ लेना आधा दिन आधा दिन। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र जन्म संपद कुछ मिलेगा, अच्छा है, बम बम। बरणी मेष राशि, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि, पूर्वा साढ़ा धनु राशि, अच्छा है लेकिन थोड़ा सा घुमावड़ा कंडीशन दे सकता है, दिन का आधा अच्छा चलेगा। कृतिका मेष वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या और उत्तरा साढ़ा धनु मकर। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अति मित्र टॉप मोस्ट। रोहिणी ब्रश हस्ता कन्या और श्रवणा मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र टॉप गो अहेड। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र ब्रश मिथुन और चित्रा कन्या तुला, धनिष्ठा मकर कुंभ, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक जोन पे। राशि से भी नेगेटिव है और नक्षत्र भी नेगेटिव है, सेफ्टी मेंटेन बहुत जरूरी, रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, होम सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, कर्म सिद्धि योग। पुनर्वसु मिथुन कर्क, विशाखा तुला वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, झोल झमेला झंझट झगड़ा डे का नेक्स्ट हाफ ठीक हो जाएगा। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, 50-50 फिर भी अच्छा है ऊर्जा। अश्वेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, जन्म संपद विपद, विपद के बाद क्षमा, 50-50 आधा दे सावधान आधा दिन अच्छा। किस किस लग्न को त्यागे आज का दिन, मेष सिंह धनु, मेष सिंह और धनु बलि किसको अवॉइड करेंगे, कौन सा लग्न फिर काम है। वृश्चिक कर्क मीन को अवॉइड करेंगे, कन्या वृष मकर, कन्या वृष मकर वाले आज का दिन मेष सिंह धनु, मेष सिंह और धनु को त्यागेंगे। मिथुन तुला और कुंभ, मिथुन तुला कुंभ आपके लिए वृष कन्या मकर, वृष कन्या मकर लग्न को अवॉइड करके काम।
कर्क वृश्चिक मीन, कर्क वृश्चिक मीन आप लोगों के लिए मिथुन तुला कुंभ, मिथुन तुला कुंभ इस टाइम जोन को अवॉइड करना। हुरा टाइम जोन के अनुसार दिन का 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य का, रात का 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चंद्रमा का हुरा, ये दो हुरा में मकर कुंभ इस टाइम जोन को अवॉइड करेंगे, वृष तुला अवॉइड करेंगे, मिथुन कन्या अवॉइड करेंगे। मंगल का टाइम जोन और शनि का टाइम जोन जैसे मैं बताता हूं, सुबह 3 बजे से 5 मकर कुंभ के लिए उत्तम, इस समय उठें, साधना करें, तपस्या करें। शाम का 6-6:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मेष वृश्चिक के लिए सबसे टॉप टाइम रहता है, साधना करें। मीन और धनु के लिए सुबह का 6:30 बजे से 10 बजे तक टॉप टाइम रहेगा। वृष और तुला के लिए शाम का 3 बजे से लेके 5 बजे तक। मिथुन कन्या के लिए दोनों संधि मुहूर्त सबसे टॉप टाइम रहेगा। इस होरा को जरूर अडॉप्ट करें, बढ़िया काम करें, जीवन पे सफलता मिलेगा। ये है बेसिक रॉ, आप केवल अपने ऊर्जा को समझें। इसलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें।